Chapter number 15, we have discussed data handling, chapter number 15. Okay, so I can exercise, we have completed question number 1, 2. Okay, it's a B question aapka baki tha, chapter number 15 ka. B question, jisme maine kaha tha ki isme hum pictograph bhi banayenge aur bar graph bhi banayenge, theek hai? तो आपको स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, ठीक है? इस स्क्वायर बॉक्स में आप लोग, ठीक है, पिक्टोग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है? इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, जो आपको ड्राइव ग्रुप का दिया हुआ है वो लिख लेंगे आप यहाँ पे ड्राइव फ्रूट। कौन कौन से आपको ड्राइव फ्रूट के नाम दिए हुए हैं वो आप लिखेंगे। फर्स्ट इज एलमंड, सेकेंड इज वॉलनट्स, थर्ड इज कैशियोस, ओके, फोर्थ इज रेजिन्स, एंड लास्ट इज पिस्ता चूस, ठीक है? अब आपको देखना है कि ये तो क्या हो गया, हमारे ड्राई फ्रूट के नेम हो गए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर, या फिर देखिए हमें टैली मार्क्स में तो शो करना नहीं है, टैली मार्क्स में तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पिक्टोग्राफ बनाना है हमारे, ठीक है? तो आपके टोटल नंबर कितने हैं, फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है, उसकी टोटलिंग कितनी आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने लिखा था 7, 5, 8, 9, 6, तो इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 5 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 9 = 29, 29 + 6 = 35, मतलब टोटल जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 35 है। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 35 स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स पसंद है, ठीक है? अब हमें इसको पिक्टोग्राफ में करना है। मैंने आपको बताया था कि पिक्टोग्राफ में जब हम शो करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि हम सर्किल ड्रॉ करके, ठीक है, मानते हैं कि एक सर्किल कितने को शो कर रहा है, ठीक है? अगर यदि हम 5 ले लेते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसका अगर कई जगह हमें हाफ भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि 7 है, 7 कंप्लीटली तो शो कर नहीं सकते, ठीक है? तो हम इसके लिए कितने मानते हैं, 1 सर्किल इज इक्वल टू 2 ड्राई फ्रूट, ठीक है? ये किसको शो कर रहा है, 2 ड्राई फ्रूट को, 1 सर्किल। तो फर्स्ट 9 मंथ्स में कितने स्टूडेंट को पसंद है, 7 को, और हाफ के लिए हम क्या लिखेंगे, 1, ठीक है? हाफ किसको डिनोट कर रहा है, 1 को। तब देखिए 1 एलमंड्स में 7 है तो 1, 2, 3, तो 3 × 2 = 6, ये तो 6 स्टूडेंट्स हो गए, और हाफ के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए क्या आ जाएगा, हाफ सर्किल 2 ड्रॉ कर देते। सेकेंड इज 5, अगेन 2 सर्किल्स बिकॉज ऑफ 2 × 4, एंड 5 के लिए 1 जो बचा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हाफ सर्किल ड्रॉ कर देंगे। थर्ड इज कैशियोस 8, तो कितने सर्कल ड्रॉ होंगे, 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, तो यहाँ 8 सर्किल ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज 9, तो 8 तो इसी तरीके से बन जाएगा 1, 2, 3, 4, ये तो 8 हो गया, और 9 के लिए फर्स्ट जो एक और बचा उसके लिए हम हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। एंड लास्ट इज 6, 1, 2, 3, क्योंकि एक सर्किल 2 को डिनोट करता है, नंबर ऑफ सर्किल्स कितने, 3, तो 2, 3 + 6, ये हमारा क्या बन गया, पिक्टोग्राफ बन गया। इसी तरीके से हमें इसी सर्किल में, स्क्वायर बॉक्स में आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाने हैं, ठीक है? बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप देखिए नंबर ऑफ रोज कितने रखेंगे, कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? अगर यदि आपके उसके अंदर इतने कॉलम्स नहीं बनते तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना? आगे आप ड्रॉ कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
अब ये हमने इसके अंदर बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, रोज एंड कॉलम्स क्यों बनाए, क्योंकि हम जब ग्राफ पेपर का आप यूज करोगे तो इसी तरीके से रोज एंड कॉलम्स ड्रॉ करी हुई होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है ना, तो रोज एंड कॉलम्स वन स्क्वायर बॉक्स कितने को डिनोट करता है आपको ध्यान में रखना है। वन स्क्वायर बॉक्स किसको डिनोट करता है, हम स्केलिंग मान के चलते हैं कि वन स्क्वायर बॉक्स हम अगर मान लेते हैं फाइव को डिनोट करते हैं। ठीक है, वर्टिकली जो लाइन होती है वो नंबर ऑफ को शो करती है और नीचे जो हम हॉरिजॉन्टल में करते हैं वो नाम आता है वहां पे। ठीक है, तो हम ये शो कर सकते हैं जैसे जो वन लाइन होती है जीरो सॉरी फाइव जीरो एंड एच। ठीक है, तो हमने जीरो से स्टार्ट किया देन फाइव, ठीक है, फिर टेन, नेक्स्ट फिफ्टीन, देन ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, देन थर्टी, 35। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 35। अब आप क्या करेंगे कि एक में आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट के नेम लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एलमंड्स, सेकंड में आ जाएगा इधर आपके वॉलनट्स, थर्ड में आपके आ जाएगा कैशियोस, ठीक है, फोर्थ में आपके आ जाएगा रेजिन्स, ओके, एंड नेक्स्ट आप एक और कॉलम लास्ट में लाएंगे पिस्ता चूस के लिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक छोड़ के बनाया, क्योंकि पास पास बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको शो करेंगे, ये शो करेगा पिस्ता चूस को, ओके, तो ये हमारे इस तरीके से एलमंड्स भी कितने हैं सेवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फाइव तो इसको डिनोट कर रहा है, सिक्स सेवन थोड़ा सा ऊपर बना देंगे, तो ये क्या हो गया एक आपके इसको ड्रॉ कर रहे हैं, एक बार ग्राफ ये बन गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट में आपके बार ग्राफ बनते हैं। वॉलनट्स में कितने हैं फाइव है, तो केवल वॉलनट्स के अंदर हम क्या करेंगे गेरा फाइव आप ड्रॉ कर देंगे। ओके, कैशियोस में कितने हैं एट है। ठीक है, तो टेन तो इधर दे ही रखा है, आप इसे थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको शो करेगा। ठीक है ना, एट है तो टेन से कम हो गया। नेक्स्ट इज पेजेंस, रेजेंस है तो इसके अंदर कितने हैं नाइन, ये भी टेन से कम हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल जरा सा मामूली सा डिफरेंस है ओनली वन का। ठीक है, एंड लास्ट इज पिस्ताचू सिक्स, तो फाइव से जस्ट ऊपर सिक्स। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको बार ग्राफ शो करने हैं। ठीक है, तो ये बार ग्राफ आपके ग्राफ बॉक्स में भी बनते हैं, लेकिन आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रहे बार ग्राफ के रिगार्डिंग, आपके पाई चार्ट के रिलेटेड ज्यादा है। ठीक है, अब पाई चार्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाई चार्ट क्या होता है, जो हम सर्किल ड्रॉ करते हैं सर्किल के थ्रू हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, इसको मल्टीपल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं पाई चार्ट को। ठीक है, और जो सर्किल होता है वो आपको पता है 360 डिग्री का बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें हम कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, और जो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट इज पाई चार्ट। अब ये देखिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सर्किल जो है ये पाई चार्ट हम इसी तरीके से बनाते हैं, जब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं हाफ। ठीक है, अब ये एक हाफ से भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं ये तो वन एंड हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, ये वन फोर्थ पार्ट हो गया, ये अब जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ये हम इसको क्या बोलेंगे, ये वन फोर्थ में ही डिवाइडेड है। ठीक है, टू पार्ट्स वन फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड, तो जो हाफ पार्ट है वो तो सेम पे जा रहा है। ठीक है, जो वन फोर्थ से कम है वो ट्रेवल पे
नेक्स्ट इज इतना पार्ट आपका स्टेशनरी एंड लास्ट वन फोर्थ पार्ट इज सेविंग. सेविंग ये स्नैक्स का है और ये सेविंग. अब हमें ये बताना है क्वेश्चन क्या दे रखा है. क्वेश्चन है कि इफ टीना गेट 250 रुपीज एवरी मंथ, यदि हर महीने टीना को यदि 200 रुपीज मिलते हैं तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी डज शी स्पेंड ऑन स्नैक्स. तो वो कितने मनी, कितना फ्रैक्शन जो है मनी का, वो आपको हर एक फ्रैक्शन का बताना है कि हर एक फ्रैक्शन पे वो कितनी मनी स्पेंड कर रही है. तो सबसे पहले हाफ की बात करेंगे तो हाफ स्नैक्स पर, तो 200 का हाफ कर देंगे 200 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आपका 2 बन जाए 2 202 और 00. तो 100 रुपीज वो किसमें स्पेंड कर रहे हैं, स्नैक्स पर. अब बचा ट्रैवल, स्टेशनरी एंड सेविंग. सेविंग का आपको पता ही आधे कभी कम है, ये 1/4 पार्ट हो गया. तो हम क्या करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200. तो 4 बन जा 4, 4 5 जा 20 0. तो मतलब कितना हो गया, 50 रुपीज वो किस पे सेविंग कर रहे हैं 50 रुपीज की. ठीक है, 100 रुपीज आपके स्नैक्स पर हो गए. ठीक है, अब टोटल कितने खर्च कर दिए उसने, टोटल उसने खर्च कर दी 150. अब हमें निकालना है ट्रैवल और स्टेशनरी का. तो वन, अब हम क्या करेंगे, 200 में से सिंपल है 50 को हम माइनस कर देंगे 150 को, तो क्या बचा 50 रुपीज. अब 50 रुपीज में से भी आप देख रहे हैं कि जो ये वन स्टेशनरी का जो पार्ट है वो सबसे कम पार्ट है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 40 रुपीज सबसे ज्यादा खर्च किस पे कर रहा है, 40 रुपीज तो कर रहा है वो ट्रैवल पे. ठीक है, और बचे 40 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, 10 रुपीज वो स्टेशनरी पे खर्च कर रहा है. हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं और फ्रैक्शन के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं. आ रही बात समझ में, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है. ये हमारा पाई चार्ट का हो गया. एक ही क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब हम आगे करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 15.1. ठीक है, ये आपकी पूरी पाई चार्ट के ऊपर ही बेस्ड है, ज्यादा टफ नहीं है आपकी एक्सरसाइज. नंबर 15.1, ओके. तो 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन सर्कल ग्राफ शोस सियार कलेक्शन ऑफ कॉइंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, सिया ने डिफरेंट कंट्रीज की कॉइंस कलेक्ट किए हैं. ठीक है, ये आपको पाई चार्ट के थ्रू शो किया गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज के उसने कलेक्ट किए हैं. जैसे इंडिया के सबसे पहले किए हैं इसने, इंडिया के हैं 750 कॉइंस. ओके, नेक्स्ट जापान एंड इटली, जापान के 150 कॉइंस एंड इटली के 180 कॉइंस. इटली 180 कॉइंस. ठीक है, अब ये कह रहा है कि बाकी के जो रिमेनिंग है वो चाइना के. ठीक है, तो चाइना के 420 कॉइंस है. ठीक है, ये हमारे पाई चार्ट आपके बुक में भी बना हुआ है. ठीक है, आपको कॉपी में क्या क्वेश्चन पूछा गया है बुक में, विच कंट्री आर मोस्ट ऑफ द कॉइंस कम फ्रॉम, कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा कॉइंस आ रहे हैं. तो एक आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया से आ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कॉइंस इंडिया के हैं, तो आप इंडिया लिख दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट बी इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस आर फ्रॉम चाइना. वही कह रहा है कि चाइना की जो टोटल नंबर ऑफ जो कॉइंस है वो उसको हमें फ्रैक्शन में शो करना है. तो आपको पता है फ्रैक्शन हम पढ़ ही चुके हैं, फ्रैक्शन में शो करने के लिए पहले हम टोटल प्लस करते हैं. तो 750 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 420, इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस करेंगे. 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20 का 0 कैरी ऑफ 2, 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 प्लस 4 15. तो टोटल जो पॉइंट्स हो गए वो कितने हो गए, 1500 हो गए, और
420 बाय 1500 कॉइंस, 10 से ये 10 कट गया। अब ये किससे कटेगा, 7, आप इसको 3 की टेबल से भी काट सकते हैं, 3 5 का 15 0, 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12। अब ये 2 की टेबल से कट रहा है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 2 5 जा 10। तो चाइना का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 7 बाय 25। काटना आपको कैसे है, आप अपने अकॉर्डिंग टेबल को काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैम ने ऐसे बताया तो हमें ऐसे ही काटना है। आप पहले 2 की टेबल से भी काट सकते हैं या किसी और टेबल से कट रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द टेबल बिलो शोज द फेवरेट स्कूल सब्जेक्ट ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आपको एक टेबल शो की गई है, नीचे देखिए सब्जेक्ट आपको दिए हुए मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर इज 30 20 एंड 10, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास के, उसमें आपको टोटल डिवाइड किए गए हैं, ये 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग जिनको जो सब्जेक्ट पसंद है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स दिए गए हैं। तो आपको पहले पाई चार्ट बनाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पाई चार्ट आपको बना हुआ दे रखा है, उसको फिल करना है, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या दिया हुआ है कि सर्किल आपको बना हुआ दे रखा है और फ्रैक्शंस में भी डिवाइड है ये ऑलरेडी, ठीक है। 60 टोटल स्टूडेंट है, ठीक है, जिसको कि 3 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो ये जो नीचे का हाफ क्वेश्चन है ये इसको डिनोट करेगा मैथ्स को, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स किसमें है, मैथ्स में। नेक्स्ट इज 20 एंड 10। तो अब आप देख रहे हैं कि जो सबसे कम पार्ट होगा वो किसका होगा, 10 है साइंस में। साइंस में कितने हो गए, 10, और बाकी के रिमेनिंग 20 जो है वो इंग्लिश के हो गए, इंग्लिश में 20। तो इस तरीके से आप पाई चार्ट में शो करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, ये कह रहा है कि इंग्लिश को पसंद करने वालों का फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर आपको स्टूडेंट्स पता है कितने हैं, कितने हैं 60, तो इंग्लिश के कितने हैं 20, तो 20 बाय 60, तो 10 से ये 10 कट गया, नहीं तो आप डायरेक्ट 2 की 20 की टेबल से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। 20 बन जा 20, 23 जा 60, तो 1/3, ओके। नेक्स्ट इज बी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश एंड साइंस, इंग्लिश और साइंस को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन क्या होगा। तो इंग्लिश और साइंस में आपको पता है कितने, 20 प्लस 10 तो कितने हो जाएंगे 30, ठीक है। तो आप पहले क्या करेंगे, इंग्लिश में कितने हैं 20 एंड साइंस में कितने हैं 10, इन सबको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। अब ये कह रहा है कि इसका फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं 30 बाय 60 करेंगे हम, ठीक है। तो ये 10 से ये 10 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, इन दोनों का मिलाकर के कितना हो गया, हाफ स्टूडेंट्स जो हैं जो कि साइंस और इंग्लिश को पसंद करने वाले हैं। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो कंप्लीटेड। Now next question number 3, in a school 200 students were asked to choose a co-curricular activity, एक स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं जो कि 200 स्टूडेंट्स से पूछा गया है कि उनकी co-curricular activity के बारे में। The circle graph represents the number of students with their choices, अब इस सर्किल के अंदर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की choices दी गई है कि डांस को 80 स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, स्विमिंग का नहीं दिया हुआ है, सिंगिंग का 30 दिया हुआ है और गेम्स का 40 दिया हुआ है। तो बस इस पाई चार्ट को देखते हुए हमें क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, पाई चार्ट में नहीं बना रही हूँ, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ए, ओके, ए इज विच इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी को पसंद करने वाले हैं वो कौन है, डांस, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें है, डांस में ही है 80 स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बी,
वी इज हाउ मेनी स्टूडेंट चूज स्विमिंग, कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि स्विमिंग को चूज करने वाले हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले 200 के टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। तो 80 प्लस 13 प्लस 14 को हमें पहले प्लस करना पड़ेगा। भाई डांस में कितने हैं? डांस में 80 है, ठीक है। इसके बाद सिंगिंग में 30, सिंगिंग में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और गेम्स में कितने हैं? 40। इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या आ जाएगा? 0, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15। तो टोटल स्टूडेंट जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हुए? 150। अब स्विमिंग का निकालना है, तो स्विमिंग के लिए क्या करेंगे? 200 में से 150 को माइनस करा देंगे, ठीक है। तो कितने बचे? 50 स्टूडेंट्स। तो 50 स्टूडेंट्स किसको पसंद करने वाले हैं? स्विमिंग को, ठीक है। नेक्स्ट इज सी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स चूज सिंगिंग। सिंगिंग को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन क्या होगा? तो सिंगिंग को पसंद कितने करना है? 30, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200। तो 30 by 200, ओके। 10 से ये 10 कट गया, तो आंसर इज 3 by 20, ओके। एंड लास्ट इज डी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स चूज डांस ओवर गेम्स। ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि डांस और गेम्स को पसंद करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? डांस। डांस में कितने हैं? 80। और गेम्स में कितने हैं? 40। तो 80 प्लस 40 कितने हो गए? 120, ठीक है। 80 प्लस 40 इज इक्वल टू 120, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 200। 120 डिवाइडेड बाय 200, ओके। 10 से ये 10 कट गया, ठीक है। अब 12 और 20 को कट करना है, तो ये किससे कटेगा? 2 की टेबल से भी कट कर सकते हैं या फिर 4 की टेबल से। 4 3 12, 4 5 20, तो 3 by 5 स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इसको पाई चार्ट को देखते हुए आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को पाई, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पाई चार्ट को देखते हुए ही आपको करना है, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है, ओके। तो 15 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए, दोबारा से दे रखा है।